मेरी उम्र 26 साल थी। मेरा नाम कोमल है और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी शादी होना अभी बाकी थी। और मेरी शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा था। जो भी हमारे घर रिश्ता लेकर आता वो मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता था। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए बहुत कुछ कर चुकी थी मगर कुछ ना फर्क पड़ता था। उन्हीं दिनों माँ ने ये सब देखकर भाई की शादी कर दी थी क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बहुत बुरी भली कहने लगा था। माँ ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी, पहले बेटे की शादी कर देती हूँ। बहू घर आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। और फिर माँ जब भाभी को ब्याह कर लाई तो मैं देखती ही रह गई। भाभी बहुत ही खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की थी, उन्हें तो जो देखता वो ठंडी आहें भरता। मैंने भी भाभी को देखा तो मैं बहुत खुश हुई थी लेकिन मुझे कुछ अजीब सा भी लगा था। थोड़े ही दिनों में मेरी भाभी से दोस्ती हो गई थी। भाभी मुझसे बातचीत तो नहीं करती थी लेकिन मैं उनसे उनकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहती थी। कुछ दिन गुजरे, मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। भाभी मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूं, मेरे पास तो ना ही आप जैसी खूबसूरती है ना ही मेरा वजन ऐसा है कि कोई मुझे नजर भरकर भी देखे। भाभी बोली, इसमें क्या है, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेगी। वो बोली कि तू अभी तैयार हो जा, हम डॉक्टर के क्लिनिक पर चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा था, वरना सब यही कहते थे कि तू रोटी बहुत खाती है, तुम कम खाओगी तो ठीक हो जाओगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे उसमें बैठने को कहा और बोली, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक पर लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे के बाद एक क्लिनिक पर पहुंचे थे मगर मुझे बहुत हैरत हुई थी क्योंकि उस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना ही उसमें ज्यादा लोग थे। बस मेरे जैसी कुछ औरतें वहां बाहर बैठी हुई थी और कुछ औरतों के चेहरे पर बड़े बड़े दाग धब्बे थे। उनको देखकर मुझे अपना आप काफी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वो उन सब औरतों को देखने लगी जो कि उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारे ही इशारों में कुछ कहा और फिर वो मुझे लेकर बाहर आ गई। औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा कि ये औरतें जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी, इससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की मुझे एक कमरे में लेकर गई, वहां पर भाभी मौजूद नहीं थी। वो मुझसे कहने लगी, तुम्हारे मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे शरीर में पानी कितना है और चर्बी कितनी, तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप उस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई परेशानी हो। मैंने फौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। उसके बाद भगवान जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे में आवाज सी आने लगी, शायद वो औरतें कमरे में आई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे फिर कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खुली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी, मुझमें कोई बदलाव नहीं आया था। और ये काम तकरीबन 5 से 7 मिनट का था और फिर मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है। वो बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है, इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है। अल्ट्रासाउंड, मेरे दिमाग में फिर से बातें फिरने लगी क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का होता है जिनको कोई बच्चे वगैरह होते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक खास तरह का पानी लगाया जाता है और वो मशीनें भी दूसरी होती हैं। इस औरत ने तो मुझे हाथ नहीं लगाया, फिर ये कैसा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे ही हो गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वो मुझे अपने सामने बैठा कर मुझसे बातें करने लगी। वो बोली कि तुम पर ये मोटापा कब से है, तुम खाती कितना हो। मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी वो एक कॉपी पर लिखती जा रही थी, यहाँ तक कि सारी पूछताछ पूरी हो गई तो उसने मुझे कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा वजन कम भी हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया और खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल बहुत अजीब लग रहा था कि मैं वहां खड़ी रहूं।
मैं तभी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और उस औरत की बातें पड़ने लगी। तभी मुझे अंदर से हंसने की आवाज आई तो मैं हैरान हो गई कि भाभी की उस औरत से दोस्ती थी या वो उसे पहले से ही जानती थी, क्योंकि उन दोनों की हंसने की आवाज बाहर तक आ रही थी। खैर, मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी, मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई, उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। वो कहने लगी, चलो जल्दी से घर चलो, अब काफी देर हो गई है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं भाभी की इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई, मैं भाभी के पीछे पीछे आ गई। भाभी ने फौरन ही जाकर रोड पर एक रिक्शा रोका और उसमें बैठ गई। सारे रास्ते भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की, वो गुमसुम ही बैठी रही थी। शायद वो शब्दों को इकट्ठा कर रही हो मुझसे बात करने के लिए। आधे घंटे में हम घर पहुंचे। भाभी ने रिक्शा वाले को पैसे दिए और उसे वापस भेज दिया। रिक्शा वाला मुझे देखकर बड़ी अफसोस भरी नजरों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे कुछ पता हो और मुझे कुछ बताना चाहता हो। उसने एक बार मुझे आवाज भी दी, रुकिए बात सुनिए, फिर भाभी ने उसे झटक कर वहां से भगा दिया था। मैं बहुत परेशान हुई थी, मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूं, उनसे कहूं कि मैं भाई को बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वजन बहुत ज्यादा था और उसके लिए भाभी को ही मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने की बजाय सीधे अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गई कि शायद वो मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएगी, मगर उन्होंने फौरन दरवाजा बंद कर लिया और मैं बाहरी पागलों की तरह खड़ी देखने लगी। काफी देर भाभी का इंतजार किया मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं इसी तरह अलग अलग सोचे सोचती रही। मैं अपने कमरे में आ गई, तभी माँ ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी भाभी तुमको बुला रही है। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। वो मेरे गले लगकर बोली, तू मेरी सबसे अच्छी ननंद है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तेरा इलाज तो हो ही जाएगा, मुझे अपनी भी बहुत खुशी है। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग झलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर दिए और बोली, लो जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी अभी तो तुम मुझे मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए और पैसे दे रही हो, ये क्या बात हुई। मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी, अरे इसमें क्या बात है, तुम खाना पीना कर लो, कल से तुम अच्छी तरह से डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करूंगी। और हाँ, उस डॉक्टरनी ने तो मुझे दवा भी दी है, उस दवा से 2 हफ्ते में तुम्हारे पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर मैं बहुत तो खुश हुई। अच्छा, क्या वाकई, मुझे तो लगा था कि उसने आपसे कोई खतरे की बात की है, यही कि शायद मैं लाइलाज हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और फिर बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। भाभी के ऐसे रिएक्शन देखकर मैं डर जाती मगर फिर खामोश हो गई। इस हल्ले गुल्ले में पता ही नहीं चला कब मेरा बड़ा भाई भी घर आ गया। मैंने और मेरे भाई ने खूब मजा किया, हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। इन सब में मैं अपनी दवा के बारे में भूल ही गई। फिर सब कामों से फ्री होकर भाभी मेरे कमरे में आई, उसके हाथ में छोटी सी बोतल थी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, यही वो दवा है जो उस डॉक्टरनी ने मुझे दी है, इससे क्या होगा भाभी, ये तो बहुत थोड़ी सी दवा है। नहीं नहीं, इसी से तो असर होगा, ये बहुत असर करने वाली दवा है। ये कहकर भाभी ने वो बोतल मुझे दिखाई, उसमें एक खास तरह का तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि इस तेल को नाभि में डालकर रात भर सो जाना है, मैं सुबह उठूंगी तो मेरा वजन कम होने के लिए मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत तो खुश हुई। भाभी ने कहा कि ये दवा बहुत महंगी है, मैंने तुम्हारे लिए 10,000 की ली है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से यूज करना, इसकी एक एक बूंद नाभि में डालती रहना, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैं भाभी की बात सुनकर उनकी बहुत आभारी हुई। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और वो बोली, बात सुनो, तुम इस दवा को डालने के बाद अपने कमरे में ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना, इससे नींद बहुत आती है। जी भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, पूरा कोर्स करूंगी। हाँ बहुत अच्छी बात है, अच्छा चलो मैं अब चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं उस शीशे को देखने लगी जो बहुत ही छोटी सी थी। इसमें ऐसा लगता था जैसे तेल नहीं बल्कि जहर की बूंदे हो। मैंने उसे खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरे नथनों से टकराई थी। खैर, मैंने दरवाजा बंद किया और उस तेल को अपनी नाभि में डालने के बाद मैं सो गई। मुझे उस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफी देर मैं सोती रही, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बेहोश आदमी सोता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे माँ ने मेरा दरवाजा जोर जोर से बजाया था। माँ की आवाज सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नजर घड़ी पर पड़ी,
तो मैं हैरानी रह गई थी कि सुबह के 10 बज रहे थे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं सुबह के 10 बजे तक आज तक कभी नहीं सोई थी। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी हल्की फुल्की गुजारी थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो माँ की मुझ पर नजर पड़ते ही परेशान होकर मुझे देखने लगी। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हो, आज ऐसी क्या बात हो गई? माँ के कहने पर मैं खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी कीचड़ भरे बाजार में सोई थी, क्योंकि मेरे कपड़े से भी अजीब तरह की बदबू आ रही थी जिसे सूंघा भी नहीं जा रहा था। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मैंने उस बदबू को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। मुझे नहा धोकर अपना आप तरोताजा महसूस हुआ। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि इस तरह सोने से मेरे कपड़े पहले कभी बदबूदार नहीं हुए थे, लेकिन आज तो एक अजीब ही मामला मेरे साथ हुआ जिसका सर पैर मुझे नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं नाश्ता करने गई। भाभी भी मेरे साथ बैठी थी। मुझे देखकर भाभी भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो बोली कि तुम्हें रात को नींद कैसी आई? मैं भाभी को ये भी नहीं कह सकती थी कि रात को बहुत अच्छी नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि माँ भी साथ बैठी थी और हो सकता था कि माँ मुझे इस बात पर डांटती कि तुम अपनी भाभी के साथ अकेली क्लिनिक पर क्यों गई थी। यूं मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही भाभी के कमरे में गई तो भाभी बहुत खुश थी। वो बोली कि देखो कोमल, वजन एकदम कम नहीं होता, तुम्हें कुछ महीने मेहनत करनी पड़ेगी। इस तेल को लगातार तुम्हें यूज करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। उस टेस्ट के बाद और ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की जरूरत है। तुम तो जानती हो तुम्हारा मोटापा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अब अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वो तो तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वजन 50 साल की औरतों से भी ज्यादा है। ये बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी आपको जो भी टेस्ट करवाना है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरे मोटापे का कुछ करें। भाभी ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया था, इसलिए मुझे उन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा कि आज शाम को चलेंगे। शाम को मैं तैयार हो गई। भाभी ने फिर उसी तरह एक रिक्शे वाले को बुलवाया, वो मुझे लेकर उसी क्लिनिक पर चली गई। मैं इस बार सब कुछ जान चुकी थी, क्योंकि हम एक बार पहले भी यहाँ आ चुके थे। भाभी बोली, तुम इसी तरह कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर को लेकर आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर कुछ मिनटों में आ गई। फिर उनके आते ही मैंने उन्हें नमस्ते किया और वो बोली, वाह भाई, तुम तो बहुत जल्दी पतली नजर आने लगी हो। ये कहकर वो बुरी तरह हंसने लगी, जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ बना रही थी? मैंने देखा उस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नए लग रहे थे। उस औरत ने वो कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने उससे वो कपड़े लेकर मुझे दिए और बोली, जाओ जाकर बाथरूम में ये कपड़े चेंज करके आओ, इसी में तुम्हारा चेकअप होगा। मैंने कपड़े देखे तो वो तो किसी दुल्हन के जैसे कपड़े थे। लग नहीं रहा था कि उन कपड़ों में मेरा कोई चेकअप होगा, क्योंकि ये कपड़े अस्पताल के हरगिज नहीं थे, क्योंकि मैं अस्पताल के नीले रंग के कपड़ों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो तो पहनने में बहुत आरामदायक होते हैं और ये कपड़े बहुत ज्यादा चमकीले भड़कीले थे। मैं हैरत भरी नजरों से भाभी और उस लड़की को देखने लगी। अरे जाओ भी, पहन कर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज है। ये कहकर मैं उसके रोब में आ गई। मैं बाथरूम में गई। वहां जाकर मैंने वो कपड़े लटकाए और चेंज करके बाहर आ गई। वो कपड़े मुझे पूरे आ गए थे। ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे ही नाप के हों, वरना अक्सर मुझे इस तरह के कपड़े कभी पूरे नहीं आते थे। औरत मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ले गई और मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ थोड़ी देर बैठी रहो, और हाँ, तुमको सामने उस शीशे को देखना है, हिलना जुलना नहीं है। मैं उस औरत के कहने के मुताबिक उस शीशे की तरफ देखने लगी। मेरे सामने शीशा रखा हुआ था। यहाँ मुझे बैठे बैठे काफी देर गुजर गई थी। फिर उस औरत ने मुझे कहा कि तुम उठकर खड़ी हो जाओ, और हाँ, हिलना मत, वरना तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। मैं तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में ला चुकी हूँ, उससे तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर उसने मुझसे कुछ और भी बातें की और बोली, अब तुम घर चली जाओ और फिर मुझसे 3 हफ्तों के बाद मिलना। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वो तुम पर असर कर रही है, उसके बाद से तुम ठीक होने लग जाओगी। वैसे भी तुम्हारा वजन तो 5 किलो कम हो ही गया है, मैंने तुम्हारा वजन कर लिया है, औरत बोली तो मैं बहुत हैरान हुई थी। वजन करने जैसी तो यहाँ कोई बात ही नहीं हुई थी। मैं अपने घर आ गई। भाभी इस बार बहुत परेशान थी। मुझे हैरत थी कि पहले की तरह वो खुश नहीं लग रही थी। उनको देख देख कर मुझे भी फिक्र हो रही थी कि न जाने क्या बात है जो भाभी इतनी परेशान है। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, भाभी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। वो बोली, उस औरत ने तुम्हें और क्या कहा था?
वो मुझसे बहुत फिक्र से पूछने लगी। कुछ भी नहीं कहा था, उसने मेरा चेकअप किया, लेकिन भाभी उन कपड़ों में चेक कौन करता है? मैंने परेशानी से पूछा था। हाँ तुम इस बात की फिक्र मत करो, बस तुम्हारा रिश्ता जल्दी हो जाएगा, तुम वाकई में पतली लग रही हो अब। भाभी ने भी खुश होकर मुझे कहा तो मैं चुप हो गई कि शायद सब कह रहे हैं तो फिर मैं पतली लग रही होंगी, लेकिन मुझे तो अपना आप पहले से भी ज्यादा मोटा और भद्दा लगने लगा था। फिर भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पतले लगने की वजह से अब मैं तुम्हारा रिश्ता लाऊंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। जब भाभी ने ये कहा तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन घर में किसी ने भी मेरे वजन के बारे में कोई बात नहीं की। 2 दिन के बाद भाभी ने मुझसे कहा, मेरे घर वालों से पहले मैं एक और रिश्ता तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें पसंद हुआ तो बताना। वो लोग हमारे घर आ गए। 2 दिन बाद ही मेहमान बनकर तकरीबन पूरा घर हमारे घर आया। भाभी ने उन सबको यही बताया था कि मेरी ननंद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, मगर वो सब लोग तो जैसे मुझे पहले से ही जानते थे। अरे ये तो वही है, उनमें से एक औरत ने कहा। फिर वो उस लड़की को कुछ दिखाने लगी, बोली कि ये तो वही है, इसका मोटापा तो देखो। नहीं नहीं ये तो बहुत मोटी है भाई, पहले ही हमारे खानदान में ऐसी लड़कियों का मजाक बनता है, चलो यहाँ से। उन लोगों ने तो आमने सामने मेरे मुंह पर ये कह दिया कि मैं मोटी लगती हूँ और ऐसी लड़कियों से वो रिश्ता नहीं करते। मेरा दिल बहुत टूटा, मगर मैं खामोश रही। वैसे भी भाभी ने कहा था कि अगर तुम्हारी शादी या रिश्ता उन लोगों के साथ नहीं होता तो फिर मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी खुद करवाऊंगी, तुम इस बात की फिक्र मत करो। उनके जाने के बाद भाभी मुझे तसल्ली देने लगी और बोली, ये आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया, बस तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने भाई से सारी बात कर ली है, अब अगर वो तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, बस तुम एक्सरसाइज भी किया करो, मेरा भाई भी तुमको डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, उससे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों में भाभी का भाई मेरा रिश्ता लेकर घर आ गया, उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तारीख रख दी। मैं बहुत खुश थी, आखिर भाभी का प्लान काम कर गया, लेकिन भाभी ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि आइंदा के बाद वो दवा यूज मत करना, उससे तुम्हें बहुत नींद आती है, बेहोशी जैसी हालत होती है। मैंने भाभी की बात समझ ली थी तो मैंने वो दवा यूज करनी छोड़ दी। मेरे लिए जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरा पति मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गया। वो बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने तो सिर्फ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की है, अपनी बहन का घर बचाने के लिए, वरना मैं तुम जैसी औरत से मैं कभी शादी ना करता। शायद ये सोच कर कि तुम्हारा वजन ज्यादा है, मगर तुम्हारी असल खूबसूरती आज देखी है। क्यों बहन का घर बचाने के लिए क्यों? मैंने अपने पति से पूछा तो वो बोला, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता, मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुमको ये बात बता दूंगा तो वो नाराज होगी मुझसे। मैंने अपने पति के मुंह से ये बात बड़ी मुश्किलों से निकलवाई और ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहने लगा कि मेरी बहन तुम्हारे मोटापे का इलाज नहीं करवा रही थी, वो दरअसल तुम्हें इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहती थी, वो तुम्हें अलग अलग लोगों से मिलवाती थी जिनको अपनी ब्रांड की मॉडलिंग के लिए एक बहुत ही मोटी औरत की जरूरत थी, इसी वजह से वो तुमको एक एजेंसी के पास लेकर भी गई थी, मगर उन्होंने कहा कि तुम इस तरह तस्वीरें नहीं बनवाओगी तो तुमको कोई बहाना करके लाए। कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला चलता रहा, 1-2 तस्वीरें तुम्हारी अखबार में भी छप गई थी, लेकिन इस बात पर तुम्हारी भाभी बहुत परेशान हुई क्योंकि तुम मशहूर होने लगी थी और ये बात अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो वो मेरी बहन को तलाक दे देता, बस इसीलिए उसने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त मुझसे कर दिया। मेरा पति ये कहकर तो खामोश हो गया। मेरे दिमाग में आंधी तूफान की तरह पिछली गुजरी कहानी चलने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे पैसों के लिए इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वो भी एक सभ्य परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई कर दी थी। उन्होंने अपने भाई से मेरी शादी का बंदोबस्त कर दिया था ताकि मैं समाज में बदनाम ना हूं। अब मैं भी उन्हें कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरे पति ने मुझे कसम दी है, वरना भाभी मेरे सामने बहुत शर्मिंदा होती। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए